डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक कहार में आपका स्वागत है। सबों को जय शु। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें अंतिम दिनों की बातें सुना रहे हैं। अंतिम दिनों की बातों को सुनकर हमारे दिल में डर सा समा जाता है कि हमारे साथ क्या होगा, उस दिन क्या होगा, यह कैसे घटेगी, क्या यह हमारे लिए जानना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे लिए तो यह जानना ज़रूरी है कि जब यह दिन वास्तव में आएगा तो इन दिनों के प्रति हमारे दिल में कैसे कर्तव्य होने चाहिए, यह जानना बेहद ज़रूरी है। और इसी बात को समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आपका जो जीवन है, आपका जो आध्यात्मिक जीवन है, वो सरहद की तरह है। सरहद का अर्थ जानते हैं आप? सरहद किसी देश का बॉर्डर होता है जहाँ सैनिक तैनात होते हैं। सरहद और उस सरहद पर तैनात जो सिपाही है वो है आप। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जब एक सैनिक को सरहद तक जाना होता है तो वो क्या यह सोचकर जाता है कि वहाँ जाकर वो मज़े उड़ाएगा, या अपने दोस्तों के साथ में रोज़ पिकनिक मनाएगा, या फिर क्रिकेट या ताश के पत्तों से खेलेगा? बिल्कुल भी नहीं, और यह उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। और यह थोड़ी सी लापरवाही के कारण वो अपनी जान भी खो सकता है और साथ ही साथ हमारे देश को भी खतरे में डाल सकता है। तो सबसे पहला पाठ जो एक सिपाही मुझे सिखाता है वो ये है कि सतर्क रहना। एक सिपाही का सबसे पहला कर्तव्य है कि वो जहाँ तैनात है उस सरहद पर वो हमेशा जागते रहें, सतर्क रहे। बिल्कुल यही बात प्रभु यीशु भी बताते हैं। सुनिए प्रभु क्या कह रहे हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 42, जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आने वाले हैं। इसीलिए जागते रहो, सतर्क रहो। सतर्क रहने का अर्थ क्या है? सतर्क रहने का अर्थ मात्र यही है कि हमें यह एहसास हो कि हमारा जीवन कितना छोटा है, और इतना छोटा जीवन है, और इसीलिए हमें इस जीवन को व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं करना है। और जैसा कि संत पौलुस हमें कहते हैं, अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलाएं, और विशेष रूप से पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हमारा जीवन हो। यही बात है। जो दूसरी बात एक सैनिक मुझे सिखाता है वो ये है, हमारा देश इतना सुरक्षित क्यों है? क्यों हमारा देश सुरक्षित है? इसीलिए सुरक्षित है क्योंकि हमारे जो सैनिक हैं, जो सरहद पर तैनात हैं, वे सैनिक 24 घंटे हर क्षण तैयार रहते हैं। उनका जूता तैयार है, उनके कपड़े तैयार है, उनके टोपी तैयार है, उनका गोला बारूद तैयार है, तोपें तैयार हैं, उनकी बंदूकें तैयार हैं। उन्हें मात्र एक ऑर्डर का इंतज़ार होता है, और जिस क्षण उन्हें ऑर्डर दिया जाता है उसी क्षण वो इन सभी सामानों के साथ अपने शत्रुओं के ऊपर टूट पड़ते हैं ताकि वो उन्हें पराजित कर सके। मेरे मित्रों, जैसे कि मैंने कहा, आप भी तैनात हैं अपनी सरहद पर, अपने आध्यात्मिक जीवन के सरहद पर तैनात है। क्या आप तैयार हैं? सैनिकों के पास में उनका शस्त्र होता है, आपके पास क्या है? मेरे मित्रों, आपके पास संसार का सबसे शक्तिशाली शस्त्र है, और वह है विश्वास। दुख की बात है, इस संसार में विश्वास कम होता जा रहा है। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? लूकस का अध्याय 18 पद संख्या 8, परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह संसार में विश्वास बचा हुआ पाएगा? शायद नहीं। और इसीलिए हम देख भी रहे हैं विदेशों में लोगों के गिरजाघर खाली पड़ गए हैं, और इतने खाली पड़ गए हैं कि वो विवश हो गए हैं कि वे अपने गिरजाघर को बेच दें। तो उनके गिरजाघर अब या तो फिर होटल बन गए हैं, या तो फिर कुछ और चीज़ों के लिए उनका उपयोग किया जा रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, याद रखें, एक सैनिक मुझे ये दो बातें सिखाता है, मेरे आध्यात्मिक जीवन के सरहद पर मुझे हमेशा सतर्क रहना है, जागते रहना है, और दूसरी बात, हमेशा तैयार रहना है, और मेरे पास जो शस्त्र है वो है मेरा विश्वास। इन दो बातों को अपने मन में समाये रखें, और ईश्वर आपके साथ है। धन्यवाद।